ये योजना 15 तारीख से शुरू हुई थी। इसमें नियम ये होता है कि जो जब भी कोई सामग्री सप्लाई करते हैं, जो फर्म है वो, तो हमारे यहाँ जो फर्म थी उसने जब सप्लाई करते हैं तो उसके साथ वो एक टेस्ट रिपोर्ट पेश करते हैं। ये मैंडेटरी है और उन्होंने की भी है। ऐसा नहीं है जैसा समाचार पत्रों में भी कहीं कहीं ये लिखा गया कि बिना सैंपलिंग के या बिना टेस्टिंग के उसको सबमिट किया है, ऐसा नहीं है। सबमिट वो टेस्ट रिपोर्ट के साथ करते हैं। तो वो लैब की जो रिपोर्ट थी उसको लगा करके उन्होंने अपने को प्रस्तुत किया, अपन ने उसकी वितरण शुरू किया। जब दूसरा दिन 15 को तो शाम को लॉन्चिंग हुई थी, 16 और 17 तारीख को दोपहर बाद ये चीज़ वीडियो वायरल हुआ और कंप्लेंट हुई उस टाइप की। तो उसी दिन से, अगले दिन सुबह से, यानी कि 18 तारीख को मॉर्निंग से हमने सप्लाई को रुकवा दिया। जो हमारे पास सामान जो पड़ा था उसको वहीं रहने दिया और इमिडिएटली हमने जाँच भी करवाई उसकी, जो एक फिजिकली देख करके जो जाँच कर सकते हैं और लाभार्थियों को पूछ के कर सकते हैं। क्योंकि ये जो घटना थी वो धनाऊ क्षेत्र की थी, तो धनाऊ तहसीलदार ने करीब 15 से 20 लोगों के बीच में जाके जांच की, उनके घर जाके सामग्री भी चेक की, उनसे वार्ता भी की। तो उन लाभार्थियों को प्रथम दृष्टया किसी प्रकार का कोई उसमें शिकायत नहीं थी, ना उन्होंने कोई शिकायत की थी। लेकिन फिर भी हमने एहतियात के तौर पे, क्योंकि इस तरह की बात हुई इसलिए इसको हमने उचित समझा और कि इसको लैब से इसको जाँच कराएँ। तो NABL जो अधिकृत लैब होती है वही इसकी जाँच करती है। पहले जो सबमिट की उन्होंने वो भी NABL की थी लैब, और हमने जो जांच के लिए भेजा वो भी NABL की थी। वो कोई दूसरी लैब हमारे हिसाब से हम सैंपल के कहाँ भेजना वो हम तय करते हैं, हमने भेज दिया। वहाँ से जब 3 दिन बाद वो रिपोर्ट प्राप्त हुई, तो उसमें, क्योंकि इसमें हर आइटम के लिए जो है बहुत सारे स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे किसी भी, जैसे हम खून की जाँच कराएं, मान लो बुखार आ जाता है तो अपन जाँच करते हैं तो उसमें 10 तरह के डॉक्टर साहब लिखते हैं कि भाई ये जाँचें करानी है। ऐसी इसमें भी जाँचें होती है। तो ऐसा एक पैरामीटर था जिसके अंदर जो जितना था उससे वो कम उस पर पाया गया, तो उसमें उसको सब स्टैंडर्ड, वो वर्ड यूज़ करते हैं कि सब स्टैंडर्ड है। ऐसा रिपोर्ट हमारे को जैसे ही प्राप्त हुआ तो हमने इनको कह दिया कि आपके पास अब, क्योंकि ये जैसे किसी एक आइटम में है लेकिन आपका जो ऑयल है वो तो अलग पैकेट है। ऑयल में कोई कंप्लेंट नहीं थी और ना ही ऑयल की रिपोर्ट में कोई दिक्कत है। पीछे जो 5-6 चीज़ें हैं उसमें, क्योंकि आपको ये पता नहीं होता कि कौन सी वाली जो सैंपल है वो, क्योंकि ये बैच होता है, एक बैच नंबर होता है हर एक के पीछे। ऐसा नहीं है कि कोई करोड़ों टन एक साथ बन जाएगा। तो उस बैच का किसी बैग के अंदर आइटम है या नहीं है ये चीज़ पहले से बाहर से मालूम नहीं हो सकती जब तक तो उस बैग को खोले नहीं। तो इसलिए सेफ्टी की दृष्टि से हमने यही किया, एहतियात की दृष्टि से, कि इन सभी जो पहले उन्होंने सप्लाई कर रखे हैं और दुकान पर उपलब्ध हैं उन सबको वापस उठा लें, उसकी जगह नए सैंपल ला के दे दें। सैंपल लाने के पहले वही तरीका होगा, दोबारा से टेस्ट करा के ला के देंगे और उसका हम वितरण शुरू करेंगे। जो संभावित है आज या कल तक जो है वो टेस्ट उसके उनके वो करवा रहे हैं, वो टेस्ट करवा के वो सप्लाई कर देंगे। इस सामान को उठाएंगे, इस सामान का ना तो अभी तक कोई भुगतान किया गया, ना इसका भुगतान किया जाएगा। इसका ट्रांसपोर्टेशन का VI भी उनको नहीं मिलेगा, वो फर्म की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमारे उसकी फर्म के साथ जो MOU हुआ, एग्रीमेंट हुआ, उसकी कंडीशन है। तो वो उनको तो और नया माल सप्लाई कर रहे हैं, और जब बिल पेश करेंगे तो जो भी नियमानुसार इसमें शास्ति या जो कार्रवाई है वो डेफिनेटली होगी। अभी उनको इस बारे में यही कहा गया कि आप इसको सप्लाई को नए सिरे से करें, और उनको पूछा गया कि कुछ कारण बताने के लिए, ताकि, क्योंकि हर एक व्यक्ति को जो है उसकी सुनवाई का अधिकार है, तो उनको से कुछ पूछा गया कि इस चीज़ के बारे में वो डिटेल वो बताएं। तो वो जो भी आगे कार्रवाई होगी वो हम निश्चित रूप से करेंगे। और हमने पूर्व में भी बना रखा था, मैं पुनः रिपीट करूँगा इसको, कि हमने जिले में अन्नपूर्णा फूड पैकेट और जो मोबाइल वितरण हो रहा है इसके लिए कंट्रोल रूम गठित कर दिया गया है जिले में, जिसके जो 2 नंबर हैं इसमें कंट्रोल रूम में, लैंडलाइन जो नंबर है वाडमेर के जो 02982, ये तो इसका कोड है, और जो बाडमेर के जो नंबर हैं कंट्रोल रूम के 294672, 294672, ये कंट्रोल रूम के नंबर है जो कृषि विभाग में बनाया गया है, जिसके उपनिदेशक हैं श्री पदम सिंह भाटी, वो इस कंट्रोल रूम के अध्यक्ष हैं, इंचार्ज हैं। और उनके स्वयं के मोबाइल नंबर भी मैं बताना चाहूँगा, 7742072109, 7042072109। इस नंबर पे किसी भी व्यक्ति को, जिसको भी कोई सैंपल मिलता है या जिसको मोबाइल को प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है, तो मैं सभी बाड़मेर के आवाम से, और इवन क्योंकि ये स्कीम हम बालोतरा और बाड़मेर जिले, दोनों जिले के लिए यहीं से संचालित हो रही है और यहीं से हम सप्लाई कर रहे हैं दोनों जगह पे, और व्यवस्थाएं कर रहे हैं,
तो मैं निवेदन करूंगा किसी को भी, कोई भी इस तरह की कोई कंप्लेंट लगे तो वो डेफिनेटली इनको फ़ोन पे यहाँ पे नोट करा दें, तो हम उसमें निश्चित रूप से उसका कॉग्निजेंस लेंगे और कार्रवाई करेंगे। फूड पैकेट कब तक वितरण स्टार्ट हो जाएगा? संभवतः आज रात से कल से होना चाहिए, क्योंकि वो टेस्टिंग में गया है। आज उनसे पूछा था तो वो टेस्ट के लिए, जैसे मैंने आपको भी अवगत कराया कि उसमें सैम्पलिंग करवाते हैं, तो जयपुर में है लैब, वहाँ पर वो करवा रहे हैं, वहीं से वो भेजेंगे। तो शुरुआत वापस से हो जाएगी, क्योंकि संख्या ज़्यादा होती है तो एक बार वो सप्लाई कर देंगे, फिर धीरे धीरे करके इसको अगले 3-4 दिन में जब वापस पूरी रिस्टोरेशन हो जाएगा, और सैंपल करने के बाद ही हर स्टॉक का, क्योंकि इसमें ये होता है, स्टॉक बोले, बैच बोलो या लॉट बोलो, इसका मतलब ये है कि एक निश्चित संख्या होती है। जैसे कोई भी चीज़ की अपन अगर सप्लाई करते हैं, बिस्किट भी है मान लीजिए या मिर्ची का भी है, तो उसका जैसे हो गया भाई 200 किलो 500 किलो एक बार में बनेगा, तो उसका एक सैंपल होएगा। तो इससे जितनी बार वो नया नया बनाएंगे हर बार उसकी सैम्पलिंग होगी और फिर यहाँ पेश करेंगे। उसमें हमारे को जहाँ सैंपल लेना है, हमको जब भी लगता है जिला स्तर पे कि इसकी टेस्ट करनी है, तो अपन रैंडम चेकिंग उसकी करते हैं, सारों की नहीं करते, वो हर एक की चेक करा के भेजते हैं, हर चीज़ की और हर चीज़ के हर लॉट की। और यहाँ से जो है वो सैम्पलिंग चिकित्सा विभाग का जो फूड इंस्पेक्टर है उसके थ्रू हम करवाते हैं, और उसको हम समय समय पर गुणवत्ता का पूरा ध्यान रख रहे हैं और आगे भी रखेंगे। और सभी लोगों से भी अनुरोध है कि आपको कोई कंप्लेंट हो आप तत्काल बताएं, ताकि हम उसको एड्रेस कर सकें।